स्पोर्ट्स टॉक शो में आप सबका खैर मकदम है। और आज हम वीरी के क्रिकेट ग्राउंड में हैं, जिसे हम तारबल कहते हैं। और ये जो ग्राउंड है लगभग 120 कनाल पे मुश्तमिल है ये ग्राउंड। लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये जो ग्राउंड है पिछले 6 साल पहले यहाँ के लोगों ने बनाया था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से अभी तक इसमें उतनी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। हालांकि इसमें यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, दूसरे डिपार्टमेंट्स ने भी किया है, लेकिन उस तरह जिस तरह हमें मतलब इसकी डेवलपमेंट देखनी चाहिए थी या होनी चाहिए थी, उतना कुछ नहीं हुआ है। तो मेरे साथ है इस वक्त सपोर्ट्स एनालिस्ट है खुर्शीद साहब और लाल साहब है, तो इनसे जानने की कोशिश मैं करूंगा। आज ये पहली बार इधर यहाँ पे आए हैं, तो इस ग्राउंड को देख के ये भी यही कह रहे हैं कि इतना ये बड़ा ग्राउंड है, इतना खूबसूरत ग्राउंड है, लेकिन डेवलप अब तक क्यों नहीं हुआ। तो इनसे जानने की कोशिश मैं करूंगा कि क्या क्या इकदाम यहाँ की जो मैनेजिंग बॉडी है उनको उठाने चाहिए, या हुकाम की तरफ से क्या क्या डेवलपमेंट इसमें होनी चाहिए। खुर्शीद साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, ये ग्राउंड आपने देखा तो किस तरह की डेवलपमेंट आपको लग रहा है कि इसमें हो सकती है, क्योंकि एक साइड से इसमें नदी आ रही है, दूसरे साइड से भी नदी है, तो वो एक मसला है बड़ा इस गांवों का। हर एक यहां पे यही चाहता है कि ये जो नदी है इसमें अगर फेंसिंग हो जाती है, उस साइड से एक चश्मा है उसमें भी अगर फेंसिंग हो जाती है तो शायद यहाँ पे हम लेदर बॉल क्रिकेट खेल सकते थे। लेकिन फिलहाल लोगों ये जो यहाँ के लोकल लड़के हैं वो कास्को के टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले खुर्शीद साहब, रिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। दरअसल ये जो ग्राउंड है इसकी जब हम बात करते हैं, काफ़ी देर से हम यहाँ आते रहते हैं दरअसल, और यहाँ पे हमने कभी क्रिकेट भी खेली है, बहुत अरसा पहले की बात है। लेकिन इसके बाद जो मैं बात करूँगा, पिछली बार हमने कुछ ग्राउंड्स कवर किए थे, आप भी उसमें थे, खेल के मैदान से के लिए जो प्रोग्राम है उसके लिए 5-7 ग्राउंड्स ऐसे मैदान थे, इनमें ये भी एक मैदान था। तो जो मुझे सबसे बड़ा मसला इसका ये लगा कि अभी यहाँ पे कोई एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई जो मैनेजमेंट बॉडी है वो डेवलप सही तरीके से नहीं हुई। अब मैं तो नहीं जाऊँगा कि ग्रास रूट लेवल पे क्या मसला है, कौन सी बात है, लेकिन सबसे पहले मुझे लग रहा है जो वीरी जब हम बात करते हैं, ये एक ऐसा गाँव है इस एरिया में जो बजाय के खुद एक मिसाल है हमारे लिए। और जब भी हम अपने इलाकों में मिसाल देते हैं किसी गांव की जहां पे डेवलपमेंट है हर लिहाज से, जो एक मॉडल विलेज है रियल सेंस से, वो वीरी है। तो इनको जो यहां की जो जी शोर लोग हैं, कोई भी डिफरेंस हो सकती है आज के दौर में, तो वो उस डिफरेंस से बालातर उनको आना चाहिए और एक मैनेजिंग कमिटी मैनेजमेंट उसको या बॉडी बनानी चाहिए। उसके बाद उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी जो खामी है, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उस पर काम होना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाएगा तो कितने मैदान ऐसे जिन जहाँ पे हमने दौरा किया, इस जैसे वो डेवलप भी नहीं है, ये तो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है। अब ठीक है, थोड़ा सा काम पड़ा हुआ है, उस काम की तरफ तभी जान जाएगा जब वीरी के लोग जितने भी उनके डिफरेंसेस हैं उनसे बालातर आके उस पर वो बात करेंगे और आगे ले जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये यहाँ के हमारे गिर्द नवा में एक ऐसा मैदान सामने आ जाएगा जहाँ से बहुत अच्छा टैलेंट निकलने की बहुत सारे चांसेस। लाल साहब, आपसे जानना चाहूंगा गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हो सकती है और किस तरह के इकदाम यहाँ के लोगों को होने चाहिए। सब जो कुछ आपने खुर्शीद साहब से पूछे, नहीं कुछ अच्छी बातें की। आजकल कुछ लोग ग्राउंड के लिए तरसते हैं, लेकिन इतना बड़ा ग्राउंड, थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर कैमरा मैन वहाँ से दिखाएगा, यहाँ से नदी बह रही है, थोड़ी सी मरम्मत की वहाँ जरूरत है। लेकिन खुर्शीद साहब ने एक अच्छी बात कही, अगर आप ग्राउंड को एक अच्छे मेयार पर लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपका एक एसोसिएशन यानी वीरी क्रिकेट एसोसिएशन बने, उसका एक मतलब आप हेड लीजिए और उसके अंडर आप काम कीजिए। तो हो सकता है कि अगर आप स्पोर्ट्स काउंसिल के पास भी जाइए, आजकल अगर आप देखेंगे डिप्टी कमिश्नर काफ़ी पॉजिटिव है, अगर आप उनसे भी रबते करेंगे कुछ चीज़ों के लिए तो वो हेल्प करते हैं। आजकल क्रिकेट की तरफ वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये ग्राउंड अगर पीछे हम प्रोग्राम एक कर रहे हैं तो पीछे लश ग्रीन है, हर तरफ से यह खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में विकेट को थोड़ा सा इस एंड की ओर ले आना है, तो ग्राउंड नॉर्थ टू साउथ ले आना है। बाकी मुझे लगता है कि कास्को को छोड़कर आप इस ग्राउंड पर एक बहुत बड़ा लेदर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कीजिए, तो आप मिलजुल कर काम कीजिए और बच्चों को आप अगर इस ग्राउंड को आप संवारेंगे तो बच्चों को आप ड्रग एडिक्शन और बुरे कामों से रोक सकते हैं, तो ये आपके गाँव की शान और जान। चलिए सर, आपने हमारे साथ बात की और मैं उम्मीद करूंगा जितने भी हमारे यहाँ क्रिकेटर्स हैं, जो भी बॉडी मेंबर्स हैं, वो इस चीज़ को सुनेंगे और इन चीज़ों पे अमल करेंगे। और खासकर आला हुकाम से भी यही गुजारिश है
इस ग्राउंड की तरफ आप देखिए, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, 20 करोड़ से ज्यादा है, इसको आप डेवलप कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक चश्मा भी है, बिल्कुल, दूसरी जानी पार्क भी है, तो इसको हम इस तरीके से एक जिसे कहते हैं कि ड्रेसिंग रूम भी आराम से बना सकते हैं, और न सिर्फ क्रिकेट बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पे अगर देखे तो नेशनल हाईवे से खाली 2 किलोमीटर की दूरी पे वाका है, बिल्कुल सड़क के किनारे है ये ग्राउंड। तो आला हुकाम से यही गुजारिश है कि इस ग्राउंड की तरफ आप देखें और इसको डेवलप करने की कोशिश कीजिए। और सपोर्ट स्टॉक शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।